फरमाते हैं अगर मेरा कोई मानने वाला मुसलमान किसी काफिर को इसलिए सड़क पार करा दे अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह इसी एक नेकी की वजह से उसके इतने गुना माफ कर देगा वो तस्वर भी नहीं कर सकता करामी, दिलों को रखें अपने दिल सख्त ना होने दें कभी ऐसा ना हो कि इंसान का दिल सख्त हो जाए कि नर्म दिल होना चाहिए कभी भी सख्त दिल ना हो हबीब खुदा से मतलब बस एक रिवायत को और पेश करूंगा कि जहाँ से आप गुजर रहे हैं शायद आपने सुनी हो शायद कभी दिन याद में पढ़ी हो मेरे मैं जब भी इस वाक़े के मुतालिक सोचता हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है कि हबीब खुदा गुजर रहे हैं मदीने में गली से देखते हैं कि एक कनीज़ है पुराने ज़माने में ग़ुलाम और कनीज़े आम थे कनीज़ है जो सड़क पर बैठ के रो रही है मुझे एक और ऐसा दुनिया के अंदर हुक्मरान दिखाएं पैगंबर इस्लाम हुकूमत कायम कर चुके थे मदीने के अंदर लेकिन एक कनीज तक के दर्द को महसूस करते थे एक और हुक्मरान दिखाएं जो किसी कनीज के किसी आम आदमी के दर्द को महसूस करता हो तो आप फौरन रुक गए का क्या बात है बेटी आप रो क्यों रही हैं का यार रसुल्ला जिस घर की कनीज हूँ, उन्होंने कुछ पैसे दिए थे बाजार से कुछ लाने के लिए वो पैसे मुझसे खो गए हैं अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे किस मुंह से घर वापस जाऊं क्या कितने देर हम थे क्या दो देर हे पैम्बर इस्लाम ने अपने पास से दो देर हम दिए क्या जाओ जाके बाजार से जो उन्होंने कहा था सौदा सलफ लाने के लिए वो खरीद लो और घर चले जाओ पैम्बर जब काम से वापस आए देखा दोबारा बैठी वहीं पर रो रही है कहा अब क्या बात है अब क्यों रो रही हो कहा यारसोल्ला मैंने सामान तो ले लिया आपके पैसों से लेकिन अब देर इतनी हो गई है जब घर जाऊंगी तो वो कहेंगे इतनी देर से कहाँ थी अगर पैसे खो गए थे तो फिर दोबारा मुझे शायद मारें, शायद डांटे मुझे अब शर्म आ रही है घर जाते में पैम्बल इस्लाम ने कहा मेरे साथ चल मैं तेरी शफात कर दूंगा पता नहीं ये हबीब खुदा कितने रऊफ हैं कहा मेरे साथ चल मैं तेरी शफात करूंगा जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे दरवाजे पे दस्तक दी दस्तक देने के बाद कहा कि ए घर वालोल इस घर में रहने वालों तुम पे सलाम हो एक मरतबा कहा दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा फिर आपने कहा कि क्या बात है कोई घर में मौजूद नहीं सारे घर वाले वापस बाहर आ गए कहा कि पैम्बर सलाम ने सवाल किया इतनी देर से मैं सलाम कर रहा था आवाज नहीं आ रही थी कहा यार रसूल आवाज आ रही थी और हम सबको यकीन हो गया था कि आप तो लाए हैं हम सबका जी कर रहा था कि आप सलाम भेजते रहे हम सुनते रहे का इसका मतलब है मेरे मानने वाले होगा जी हम सब मुसलमान हैं क्या फिर तुम्हारी कनीज की शफात करने के लिए आया हूं इसे देर हो गई है इसके उज्र को कबूल कर लो ना डांटना ना मारना कुछ ना कहना मैं शफात के लिए आया हूं एक मरतबा उस मालिक ने कहा या रसूल अल्लाह अब आप शफात के लिए आए हैं हमने इस कनीज को आजाद कर दिया ये वो रसूल इस्लाम हैं कि जो किसी एक अदना से एक कनीज का जो इतना एहतराम करें उसका इतना मोहब्बत दें उसे कहते हैं रऊफ हबीब खुदा राफत के लिए अब समझ में आया कि रोज़ क़यामत शफात क्यों करेंगे रऊफ है मोमिन की सिफात में से अहले ईमान और अहले अक्ल की सिफात में से है कि उसका दिल नरम होगा सख्त दिल नहीं होगा सख्त दिल से इज्तना करें दूसरी जो सिफत है मैं पेश करना चाहता हूँ मौलान वर्रहमत हो वजह अलगब मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि वो उसमें दूसरों के लिए रहमत पाई जाएगी राफत में रहमत में फ़र्क क्या है तो कहा कि शदीद रहमत को राफत कहा जाता है अगर पहुंचा पाया हूं इस बात को शदीद रहमत को राफत कहा जाता है आम रहमत और उससे भी बहुत ज्यादा जो रकी नर्म दिल हो उसे कहते हैं राफत अब मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि रहमत उसमें रहमत भी होगी दूसरों के ऊपर रहमदिल होगा तरस खाने वाला होगा